व्यापार को पीक समय में करो पीक समय में करो ऐसा जो है ना सभी बोलते हैं लेकिन पीक समय किसको मानोगे आपकी जो है जो व्यापार आपका जो कर रहे हैं उसमें उसका कंजप्शन ज़्यादा हो या प्रोडक्शन ज़्यादा हो तब आप पीक मानोगे भाई जितनी भी जो है फसलें हैं उन फसलों का एक समय निर्धारित है कि वही इस समय वो जो है फसल पकेगी तो बाजार में आएगी क्योंकि अनाज का प्रोडक्शन जब होता है किसान उसको अपने पास रखता नहीं है तो किसान के हिसाब से तो जो है वो प्रोडक्शन पीक है लेकिन जो बेचने वाले हैं वो उस समय जो है अधिकता होने की वजह से माल को जो है कम पैसों में खरीदते हैं और फिर उसको जो है अधिक पैसों में बेचते हैं बाद में तो जब बाद में उनका कंजप्शन होता है चीज़ों का और लोगों को आवश्यकता होती उनके लिए वो पीक है तो आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा पीक है कैदिया पीक है जी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि व्यापार को कब स्टार्ट करना चाहिए क्या सही समय होता है किसी व्यापार को करने का तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए आपके मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं किसी नए व्यापार को स्टार्ट करने के बारे में आज हम उन सभी का समाधान करने वाले हैं दोस्तों किसी भी व्यापार को जब आप शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा इसके लिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधाराएँ और राय हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मनोस्थिति है कि क्या आप उस व्यापार को करने के लिए अपना मन पूर्ण रूप से बना चुके हैं यदि आपने मन बना लिया है तो फिर जो बात लोग कहते हैं कि भाई पीक समय में शुरू करना चाहिए कि ऑफ समय में सीजन में शुरू करना चाहिए या मिड सीज़न में शुरू करना चाहिए देखिए एक ना एक बार जो है आपको वो जो लीन पीरियड रहता है उसको फेस करना ही है आप उसको पहले करें बाद में करें मध्य में करें लेकिन सर्कल तो आपका घूम करके 365 तीन डेज में ही पूरा होने वाला है आपको ये मान के चलना है कि तीन दिन साल के जो होते हैं वो आपके बिजनेस का एक बिजनेस ईयर होता है अब बात आती है कि हमें यदि नया शुरू करना है तो हम कब करें पंडित मुहूर्त देखेगा दशा बताएगा समय बताएगा उसके हिसाब से हम लोग जो हैं वो अपना व्यापार अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे देखिए कोई भी पंडित कोई भी जो है विद्वान आपके जो भविष्य है उसको देख करके ये श्योरिटी से नहीं बता सकता कि कल ये घटना घटित होगी या नहीं होगी क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि जब आप रात को सोते हैं तो सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे ये एक आपका कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमें सुबह उठ करके ये कार्य करने हैं तो वैसी ही मनोदशा जो है वो व्यापार की होती है कल क्या होगा वो तो किसी ने नहीं देखा है लेकिन आज जो आपने इरादा कर लिया है जो मन बना लिया है उसके हिसाब से आप कभी भी वो काम शुरू कर सकते हैं अब इम्पैक्ट जो आएगा व्यापार में कि भाई जो है वो पीक सीजन है या नहीं है उसका मैं बता देता हूँ एक बहुत ही माइनर सा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है जब आप जो है चलते रनिंग सीजन के अंदर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो है आपकी प्रोडक्ट्स जो सेलिंग है वो डे वन से ही थोड़ी बहुत जो है स्टार्ट हो जाती है तो आपको जो है ग्राहक को ढूंढने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और उस सीजन में आपकी कुछ सेल स्टार्ट हो जाती है सीजन समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जो है जो ऑफ सीजन का पीरियड था वो आपको ऐसे ही जो है निकालना पड़ेगा मैं फिर भी ये सुझाव दूंगा कि जब आपका पीक सीजन स्टार्ट होने वाला है आपको पता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनका कंजम्पन प्रोडक्शन नहीं कंजसन सर्वाधिक मात्रा में होने वाला है या जो है प्रोडक्ट की नीड जो है उसके हिसाब से जिस समय आपके प्रोडक्ट का कंजम्पन ज़्यादा होता है मान लिया कोई चीज़ है जैसे सर्दियों में जो है विंटर क्रीम अधिक बिकती है तो वो उसके लिए पीक है गर्मियों के दिनों में एसी की आवश्यकता अधिक पड़ती है ये जो है वो एसी के लिए गर्मियाँ पीक है क्योंकि सर्दी में जो है एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे ही गर्म पानी की मशीन का है कि आपने जो है गीज़र सेल करना है तो उसके लिए जो है पीक सीजन कब है तो मेन सीज़न तो उसके लिए जो है वो सर्दियाँ होती क्योंकि सर्दी में जो है सभी लोगों को ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है उनको गर्म पानी की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गर्मी के दिनों में भी जो है गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते हैं नहाने में तो उसके लिए जो है मेन पीरियड जो हुआ वो सर्दी हुई लेकिन फिर भी जो है कुछ मात्रा में उसका प्रयोग उपयोगिता बनी रहती है गर्मी के दिनों में भी लेकिन उस कम उपयोगिता को उस कम सेलिंग को आप उसका पीक नहीं मान सकते हैं या उसकी खपत उसके कंजप्शन को काउंट नहीं किया जाता है तो आपको भी उसी तरीके से जो है सोचना है अब हम यदि बात करें कि आप पैस कंट्रोल का बिजनेस यदि करने जा रहे हैं तो पैस कंट्रोल के लिए जो है वो फरवरी लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक से ही जो है तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सर्विसेज की आवश्यकता पड़ने लगती है क्योंकि जैसे ही गर्म दिन स्टार्ट होते हैं कीड़े मकोड़े चूहे छिपकली उनका जो है प्रभाव घर में अधिक बढ़ जाता है और उनकी रोकथाम के लिए आपकी सर्विसेज अवेल की जाती हैं और फिर आठ महीने तक आपका बिजनेस कंटिन्यू जो है वो पीक में ही होता है ऐसा नहीं है कि सर्दी के दिनों में सर्विसेज बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं या सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती है कम मात्रा में होती हैं उनको जो है उतना वरीयता नहीं दी जाती है लेकिन यदि आपको व्यापार शुरू करना है और आप सोचे कि मैं जो है मई जून में जा कर के शुरू करूँगा और उस समय पीक होता है तो उस वो समय आपके लिए सही नहीं है क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको लोगों को पता लगने में मार्केट में जो है आपका प्रचार होने में भी समय लगता है तो ये समय जो है आपको जनवरी फरवरी का समय सबसे शूटेबल रहता है कि पेस्ट कंट्रोल का यदि आपको व्यापार करना है तो जनवरी फरवरी से आप स्टार्ट करें ताकि आपको इन दो महीने में जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली हैं वो चीज़ें समझ में आ जाएं आप अपना एक जो है वो प्रोग्राम तैयार कर सकें कि किस तरीके से आपको कितनी मैन पावर लगने की आवश्यकता रहेगी कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए होंगे कौन कौन से जो हैं केमिकल्स आपको लगेंगे कितने ऑफिस की रिक्वायरमेंट लगेगी कितनी स्टेशनरी लगेगी और जो स्टेशनरी मटेरियल है उसको प्रिंट करने में टाइम लगेगा तो वो आप करा सकते हैं ये छोटी मोटी जितनी भी तैयारियां हैं और जो आपका प्रमोशनल वर्क है वो आपको फरवरी से ही स्टार्ट करना होगा ताकि एक मार्केट में मैसेज जाना शुरू हो जाए कि ये कंपनी इस काम को करती है और जब आपका सीज़न शुरू होगा तो धीरे धीरे जो है जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे आप उनके पास जाएंगे या उनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपकी कंपनी को भी जो है काम देने के बारे में सोचेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी जो है काफ़ी समय से मार्केट में है तो जो ये लीन पीरियड होता है इसमें एक तो आपको मैन पावर कम लगेगी और दूसरा जो है आपको उतना ज़्यादा जो है एक साथ एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो माइंड सेट है लोगों का उसमें आपका मैसेज चला जाएगा कि कंपनी जो है वो पुरानी है नई कंपनी आप जो है मई जून के महीने में खोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार अभी तो ये नई नई खुली है पता नहीं सर्विस दे पाएगा नहीं दे पाएगा दो दिन में चार दिन में चला तो नहीं जाएगा तो आप जो हैं बिफोर सीजन ही उसको स्टार्ट कर दें ताकि जो है जो चार महीने आपके ऑफ़ सीज़न के होते हैं उन ऑफ सीजन के चार महीने में से दो महीने का यूटिलाइजेशन आप पहले ही कर चुके होंगे और जब पीक सीजन आएगा उस पीक सीजन को आप पूरी तरीके से ग्रैप्स कर पाएंगे आप जो है पूरे आठ महीने जो है वो मज़ा ले पाएंगे और अगला जो लीन पीरियड स्टार्ट होगा वो आपको इतना कष्टदायी नहीं होगा क्योंकि आप आठ महीने से जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ आपकी एएमसी और कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो आप सर्दियों में भी कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके जो खर्चे हैं वो निकलते रहेंगे यही सही समय होता है किसी व्यापार को सही से स्टार्ट करने का और पेस्ट कंट्रोल के लिए यदि आप मन बना रहे हैं और आपको कहीं कोई परेशानी कठिनाई आ रही है तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपकी समस्या क्या है और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ दीजिए ताकि हम आपको संपर्क करके आपकी सहायता कर सकें मिलते हैं किसी नई वीडियो में धन्यवाद